अंकल यहाँ का टिकट 120 पर पर्सन 120 वन पर वो आइलैंड में हमको चलना है दोस्तों, देख सकते हैं। कैसे हो दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज की ब्लॉग में आपको लेके चलूंगा दोस्तों एक आइलैंड। फीलिंग हो रहा है दोस्तों जैसे मैं आइलैंड जा रहा हूँ ना, तो लग रहा है कि मैं दूसरे देश के आइलैंड में जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा, मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और पूरा आपको आज की ब्लॉग में आइलैंड दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पे देख सकते हो बोर्ड लगा, आना सागर झील बोटिंग पॉइंट, टिकट काउंटर है यहाँ पे। जानते हैं कि क्या प्राइस है, आप बोट में सफर कर सकते हो, वो मैं पूरा आपको जानकारी डिटेल में बताता हूँ। मैं प्राइस अंकल यहाँ का टिकट 120 पर पर्सन 120 वन पर्सन दो तरह का है, एक 15 से 20 मिनट का राउंड कराता है उसका 120 का टिकट है। हाँ। दूसरा पानी के बीच में आइलैंड है वहाँ छोड़ता है, वहाँ घूम लो फिर लेके आता, वो भी 120 का टिकट है। दोनों चीज अलग अलग है, दोनों का प्राइस एक ही सेम है, 120 रुपया है। एक है पूरा आपको राउंड घुमाएगा और एक है यहाँ पे बीच में आइलैंड है, आइलैंड में लगा के छोड़ेंगे, वहाँ पे घूमो, वहाँ से फिर आपको वापस लेके आएंगे। उसकी भी चार्ज 120 रुपया, और आपको अगर पूरा राउंड करना है तो उसकी भी चार्ज 120 रुपया है। मैंने अभी आपको दिखाया काउंटर की क्या प्राइस है, क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस है। तो वहाँ से मैं इसलिए यहाँ पीछे फिर आया क्योंकि मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि वो आइलैंड और जो पूरा राउंड कराते हैं वो क्या है। वो सामने में आप देख रहे हैं ना, वो आइलैंड है, वो आइलैंड पे ले जाके छोड़ेंगे। 120 रुपये टिकट है, मैं टिकट ले लिया है और चलते हैं अंदर और बोट की सफ़र आपको दिखाते हैं। आइलैंड में हमको चलना है दोस्तों, वो आइलैंड जो आपको दिख रहा ना, उस सामने आइलैंड दिख रहा था, वही आइलैंड में चलेंगे। लग रहा है एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं समुद्र के रास्ते से। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए आइलैंड में, दूसरे देश में पहुंच गए और यहाँ से क्या क्या है वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। हम लोग दोस्तों ना वो वहाँ से आए, ठीक है, वो वहाँ से आए, वहाँ से बोट चलती है और ये आइलैंड है, और आइलैंड है और आइलैंड का ये ब्रिज है। फाइनली दोस्तों हम लोग आइलैंड के ना जहाँ पे एंट्री गेट वहाँ पे अंदर आ गए और यहाँ पे जो टिकट हम लोग लेके आए थे ना वो टिकट यहाँ पे जमा करना पड़ता है। देख सकते हैं गोरिल्ला भी है, गोरिल्ला के पास जाएंगे और गोरिल्ला आपको दिखाएंगे, ठीक है। आइलैंड में ना आपको एक चीज़ गोरिल्ला देखने को मिलेगा, जिसको ना कैद करके रखे हैं गोरिल्ला, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गोरिल्ला को कैद करके रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों जो गोरिल्ला को हमने मूवी में देखा था वो गोरिल्ला को यहाँ पे कैद करके रखे हैं, देख सकते हैं ये है ना, ये इधर से मैं दिखाता हूँ, इधर से देखो ये गोरिल्ला को यहाँ पर कैद करके रखे हैं वाकई में दोस्तों, देख सकते हैं, देखो दोस्तों मैं गोरिल्ला के पास आ गया हूँ, देख सकते हैं अंदर में गोरिल्ला को कैद करके रखे हैं, देख सकते हैं पीछे से इसे गोरिल्ला को यहाँ पे पिंजरा बनाया गया। वैसे तो ये आइलैंड में कुछ ऐसा कोई खास है नहीं, लेकिन जो भी है थोड़ा अच्छा लगा और लगा कि मैं दूसरे देश में आ गए हैं। हाथी, हाथी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं हाथी को भी दिखाया गया यहाँ पर। से भी दिखता है बहुत अच्छा, देख सकते हैं इधर से भी दिख रहा है काफ़ी, यहाँ से दिखाते हैं। आप यहाँ पे आओगे आइलैंड में तो आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं गेट पे मोर है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी दर्शाया गया, और यहाँ पे देख सकते हैं डायनासोर, डायनासोर को यहाँ दर्शाया गया, देख सकते हैं।
और फूल वगैरह भी लगाए गए और यहाँ पे बैठने वाला है, ब्लॉग को एंड करेंगे। तो फाइनल दोस्तों मैं इनसे वापस आ गया हूँ, आपको पीछे बोट दिखता होगा देख सकते हो, और यही बोट है और यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था कि एक है कि रोड घुमाता है और एक है वो आइलैंड में लेके जाके छोड़ता है। तो आइलैंड में लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं घुमा वहां पे और वहां से वापस आ गया, घुमाया और पूरा दिखाया भी और आइलैंड भी लेके जाके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।